स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अब प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कैसे हम कन्वर्ट करते हैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में जब हमारा सेंटेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे हम पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। अब बेसिकली इंग्लिश की टू वॉइसेस होती हैं, दोज आर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो वॉइस जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक होती है एक्टिव वॉइस और एक होती है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस हम उन सेंटेंसेस को बोलते हैं या उस वॉइस को बोलते हैं जो एक डायरेक्ट फॉर्म में होती है या बहुत ही सिंपल फॉर्म में होती है। तो एक्टिव हम तब बोलते हैं जब कोई सेंटेंस जो है वो एक सिंपल फॉर्म में है, या मैं ये बोल सकती हूँ कि उसका स्ट्रक्चर का मतलब है कि क्या वर्ड्स उसमें यूज़ किए गए हैं, किस तरह का टेंस यूज़ किया गया है, वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। और जब बहुत ही ज़्यादा सिंपल स्ट्रक्चर होता है तो तब हम बोलते हैं कि हमारी जो वॉइस है वो एक्टिव वॉइस है। लेकिन जब वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, जब हमारा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, तो तब वॉइस जो है वो पैसिव वॉइस में हो जाती है कन्वर्ट। एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए या पैसिव से एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। लेकिन जब हम कन्वर्ट करते हैं किसी भी वॉइस को दूसरी वॉइस में, हमेशा याद रखना कि जो मीनिंग है सेंटेंस का वो कभी भी चेंज नहीं होगा और जो टेंस है वो भी चेंज नहीं होगा। सेंटेंस पढ़ के हमें पता लग जाना चाहिए कि जो भी टेंस हमारा एक्टिव वॉइस में था वही सेम टेंस की जो हम कह सकते हैं जो मीनिंग है वो सेम है, उसी टेंस की फॉर्म में है। सो ऑलवेज रिमेंबर कि कभी भी मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए सेंटेंस का जो भी हम बोलना चाह रहे हैं जब हम कन्वर्ट करते हैं एक वॉइस से दूसरी वॉइस में। अब आज जैसे हम बात कर रहे हैं कि हमें पैसिव वॉइस दी होगी या एक सेंटेंस पैसिव फॉर्म में गिवन होगा और उस पैसिव फॉर्म को हमने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लेकिन जो टेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस ही रहेगा। तो अभी हम बात करते हैं कि पैसिव वॉइस का रूल क्या होता है। पैसिव वॉइस का रूल ये होता है कि हमेशा याद रखना कि आपका जो सेंटेंस है वो हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, चाहे वो एक्टिव वॉइस का हो चाहे वो पैसिव वॉइस में हो। सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। एक एक्सेप्शन होती है अगर हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव फॉर्म में है। इंटरोगेटिव फॉर्म मतलब अगर हम कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी से, तब हमारे जो सब्जेक्ट है वो उस इंटरोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होगा। बट लीविंग दैट असाइड, बाकी सारे जो फॉर्म है, चाहे वो नेगेटिव सेंटेंस हो, पॉजिटिव सेंटेंस हो, अफर्मेटिव हो, हमेशा सेंटेंस जो है वो सब्जेक्ट से ही बिगिन करेगा। प्लस इज, एम और आर, ये है हमारे हेल्पिंग वर्ब्स। तो पैसिव वॉइस, ये है रूल फॉर पैसिव वॉइस। ये हम डिस्कस कर रहे हैं पैसिव वॉइस का रूल कि पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इज, एम और आर आएगा। रिमेंबर पैसिव वॉइस में जो वर्ब है हमेशा थर्ड फॉर्म ही लेगी, तो हम ये बोलेंगे कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होनी चाहिए। प्लस बाय जो है वो कंडीशनल है, आप यूज कर भी सकते हैं। कुछ सेंटेंसेस में रिक्वायरमेंट होती है और कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जहाँ पर अगर आप बाय का यूज ना भी करें तो भी चल जाता है। एंड फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट, लास्ट में जो हमारा सेंटेंस है वो एंड होता है एक ऑब्जेक्ट के साथ। तो ये रूल है डिटर्मिन करने का कि पैसिव वॉइस में हमारा सेंटेंस है। नेक्स्ट है रूल फॉर एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस के रूल के लिए आपने ये देखना है यहाँ पर जो वर्ब है वो थर्ड फॉर्म में है। क्यों थर्ड फॉर्म में है? क्योंकि हम इज एम आर का भी यूज़ कर रहे हैं, पर जो सेंटेंस हम फॉर्म करेंगे वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही होना चाहिए। उसका जो हम कह सकते हैं सिंबल है वो प्रेजेंट टेंस की टुवर्ड्स ही जाना चाहिए, उसका साइन। नेक्स्ट है एक्टिव वॉइस रूल। एक्टिव वॉइस रूल का भी यही है, मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे हम किसी भी सेंटेंस को, चाहे वो एक्टिव वॉइस में हो या पैसिव वॉइस में हो। प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ होता है, चाहे वो एस या ई एस को फॉलो करे। और प्लस ऑब्जेक्ट, ये है रूल डिटर्मिन करने का कि हमारा सेंटेंस जो है वो एक्टिव वॉइस में है। अब हम एक सेंटेंस देंगे और उस सेंटेंस से हम इन दोनों रूल्स को अच्छे से समझेंगे। सेंटेंस है लाइक, द केक
इज बेक्ड बाय द शेफ. आई से द केक इज बेक्ड बाय द शेफ. यहाँ पर द केक जो है वो एक सब्जेक्ट है और क्योंकि वो सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हम इस और आर के बीच में इस को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि इस हम यूज़ करेंगे फॉर सिंगुलर और आर यूज़ होता है जब हम किसी प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं. यहाँ पर एक ही केक की बात हो रही है, मतलब वो एक सिंगुलर फॉर्म में है और क्योंकि वो सिंगुलर फॉर्म में है इसीलिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं. बेक्ड जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है. बेक्ड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है क्योंकि बेक जो है वो फर्स्ट फॉर्म है और जब बेक के आगे डी लग जाएगा तो वो थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. बाय द शेफ जो है वो ऑब्जेक्ट है. तो इससे हमें पता लग गया कि ये पैसिव वॉइस का रूल है और एक सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी है, क्योंकि उसकी इंडिकेशन जो है वो सिंपल प्रेजेंट में होगी जब हम उसे एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे. अगर यहाँ पर वॉज होता मतलब कि वो पास्ट टेंस है, इज है मतलब प्रेजेंट है. अब हम अगर इसको हमने एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो याद रखिएगा कि जब भी हम किसी भी वॉइस को दूसरी वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो उनके जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है वो इंटरचेंज हो जाएंगे. प्रीवियस वीडियो में भी जैसे हमने डिस्कस किया था जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे थे कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा. इसी तरह से जब पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है अब वो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनेगा और जो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा. तो हमारा सब्जेक्ट अब होगा द शेफ के साथ. तो यहाँ पर हम बात करेंगे द शेफ की. तो यहाँ पर हमारा जो सेंटेंस है वो बिगिन होगा द शेफ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. वर्ब हमें पता है कि बेक है तो हम बोलेंगे बेक्स द केक. जो केक पहले सब्जेक्ट था अब केक बन गया है ऑब्जेक्ट. तो इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक वॉइस को दूसरी वॉइस में. बट हमें रूल पता होने चाहिए. ये रूल्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर रूल्स नहीं पता होंगे तो कन्वर्जन में गड़बड़ हो सकती है. तो आइए अब हम कुछ और सेंटेंसेस प्रैक्टिस करते हैं जिससे हमें ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाए. तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं जिससे हमें कन्वर्जन अच्छे से समझ आ जाए. एक एग्जाम्पल ऐसा भी हो सकता है A story is written by her. जब हम इस सेंटेंस की बात करते हैं A story is written by her, तब हमेशा याद रखना कि जब इसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो वो हमेशा एक पैसिव फॉर्म में होगी. और दूसरा हिंट ये है कि जब भी हम by का यूज़ करेंगे तब भी हमारा सेंटेंस पैसिव फॉर्म में ही होगा. और इस प्लस रिटन मतलब कि वो प्रेजेंट फॉर्म में है. तो इतना तो हमें पता लग गया कि हमें प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट करना है और इतना भी हमें पता है कि वो पैसिव वॉइस में है हमारा सेंटेंस. अब पैसिव से हमें कन्वर्ट करना है एक्टिव वॉइस में. एक्टिव वॉइस के लिए मैंने आपको एक रूल बताया था. यहाँ पर है अ स्टोरी जो है वो सब्जेक्ट है, रिटन जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है और हर जो है वो एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, राइट. अब कन्वर्जन के लिए मैंने आपको बताया है कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट जो है वो इंटरचेंज हो जाएंगे. तो अब जो सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस का वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस के लिए और जो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो हम यूज़ करेंगे एज सब्जेक्ट. तो हर जब ऑब्जेक्ट में होता है और उसको हमने सब्जेक्ट में चेंज करना होता है तो हर जो है वो चेंज हो जाता है शी में. अगर हर ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट को अगर हमने सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है तब वो चेंज हो जाएगा शी में. ऐसे ही हिम जो है वो ही में कन्वर्ट हो जाएगा. तो हम यहाँ पर लिखेंगे शी. शी बन गया हमारा सब्जेक्ट. अब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अगर यहाँ पर है तो एक्टिव वॉइस में वो बन जाएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इसलिए बना क्योंकि थर्ड फॉर्म से पहले इज है. इज हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट टेंस के लिए और इसीलिए हम यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे. तो शी राइट्स अ स्टोरी. यहाँ पर एक सब्जेक्ट है तो अब वो एक्टिव वॉइस में बन जाएगा ऑब्जेक्ट. शी राइट्स अ स्टोरी और ये बन गया हमारा एक्टिव वॉइस.
तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन रिगार्डिंग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अभी हमने डिस्कस किया है कि कैसे एक पैसिव वॉइस को हम एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे व्हेन द सेंटेंस इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। ऐसे क्वेश्चंस आप ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए क्योंकि एक्टिव पैसिव वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है, खाली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बट जैसे आप कम्युनिकेट करते हैं किसी भी पर्सन के साथ उस टाइम पर भी ये रूल्स एप्लीकेबल होंगे। तो अटेम्प्ट कीजिए आप क्वेश्चंस, और अटेम्प्ट करने के लिए अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो जल्दी से रजिस्टर कीजिए एट abhyasonline.in। एंड रजिस्टर करने के बाद आप सैम्पल पेपर्स अटेम्प्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग दिस टॉपिक, जिससे आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपने कौन से रूल्स अप्लाई करने हैं, किस टाइम पे, और कैसे आपने कन्वर्ट करनी है एक वॉइस से दूसरी वॉइस में। सो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।